वेलकम। और दोस्तों, ये वीडियो में बात करेंगे आरबीएनएल, आज जिसमें अच्छी खासी गिरावट हुई है 10% की। कल वो स्टॉक अराउंड 10% से भी लाइक अराउंड 20% भाग गया था, लेकिन आज उसमें अराउंड 10% की गिरावट हुई है। तो हमको ये स्टॉक में अभी करना क्या चाहिए? सिंस अभी ये स्टॉक अभी सर्किट में फंसा है, तो मुझे लगता है इसमें और गिरावट होगी। जो अपना जो नॉर्मल लेवल है, जो वो ट्रेड किया करता था अराउंड, वो लेवल है उसका 29, ये लेवल 29 तक ये जा सकता है डेफिनेटली। बट सिंस अभी उसने रिसेंटली एक रैली दिखाया, आरएसआई भी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है इसको सपोर्ट लेना चाहिए ये 36 के लेवल पे यहाँ पे। एंड देन 36 के लेवल पे यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होके देन वो इधर अपर की जर्नी या नीचे की जर्नी कर सकता है। ये स्टॉक अभी न्यूज़ पे भागा है, तो अगर वो न्यूज़ सच होती है तो ये और स्टॉक रैली कर सकता है। मगर अगर इन न्यूज़ में कुछ भी इशू आता है, तो ये जो ओरिजिनल लेवल है 29 का, ये अभी निकल सकता है। अगर आपने इसमें पोजीशन नहीं बनाया तो आप वेट कर सकते हो। ये जो 35-36 का लेवल है, उसको एज ए एंट्री पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। स्टॉप लॉस भी आपका सेम होना चाहिए। अगर इस स्टॉक में आप कोई भी पोजीशन बनाते हो, तो आपका एनालिसिस खुद करो। और ये अगर चैनल पर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।